और अब बात करते हैं अयोध्या की, जहां राजस्थान जिले के जालौर गांव में 8 वर्षीय दलित छात्र इंद्र कुमार मेघवाल की पीट पीट कर की गई हत्या के विरोध में अयोध्या में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। शहर के तिकोनिया पार्क में एकत्रित हुए युवाओं ने 2 मिनट का मौन धारण कर छात्र इंद्र कुमार को श्रद्धांजलि दी। 6 बजे के करीब काफी संख्या में युवाओं ने तिकोनिया पार्क में एकत्रित हुए तथा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इसके पश्चात मोमबत्ती जलाकर कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च तिकोनिया पार्क से शुरू होकर पुलिस लाइन तिराहे पर समाप्त हुई। इसके साथ साथ आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा है। कैंडल मार्च में लगभग 3 दर्जन युवा शामिल हुए। आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष देवेश कुमार ने बताया कि उस मासूम की हत्या केवल जाति देख कर की गई है। प्रधानमंत्री आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, क्या यही आजादी है कि केवल पानी पीने पर किसी की हत्या कर दी जाए? हमारी सरकार से मांग है कि बच्चे के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। हमारा आंदोलन करने का मतलब यह है कि राजस्थान की जो गूंगी बैरी सरकार है उसको होश में लाने के लिए, जिस तरह से राजस्थान में 9 साल के बच्चे की स्कूल में पिटाई के दौरान उसकी हत्या की गई है, केवल उसकी हत्या इसलिए की गई क्योंकि वो दलित समाज से था, उसने पानी का मटका से पानी निकाल के पी लिया था। इतनी सी उसकी छोटी, उस मासूम की इतनी सी गलती थी। आज जिस तरह, जिस समय इस देश में प्रधानमंत्री यहाँ पे आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे, उसी समय ये आजादी का नंगा नाच देखने को सामने मिला है। ऐसे वही घटना शांत नहीं हुई, फिर एक शिक्षिका ने आपा खोकर एक बच्चे के मुंह में डंडा डाल दिया, उसके मुंह में घाव हो गया। कल फिर राजस्थान में ऐसी घटना होती है कि एक शिक्षिका को जिंदा पेट्रोल डाल के जला दिया जाता है। इसीलिए राजस्थान सरकार को कहना चाहते हो, कान खोल के सुन ले, वो होश में आ जाए, वरना बहुजन समाज जिस दिन संगठित हो गया उस दिन आपको देश छोड़कर भागना पड़ेगा। ये जो मनोवादी लोग हैं, ये जो बाहर से आए विदेशी लोग, इस देश में जो हम लोगों को गुलाम बना के रखे हुए हैं, ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है कि जिस दिन मेरा बहुजन समाज जाग गया, जिस दिन मेरा ओबीसी समाज संगठित हो गया, उस दिन इनको हम जूते मार के यहाँ से भगाने का काम करेंगे। क्या क्या मांगे आपकी? हमारे मांगी यही है कि हम कोई भिखारी नहीं है जो मांगे, हम इस देश के शासक हैं, यहाँ पे हमारा हक है। इस जमीन से जितने भी उपकरण निकलते हैं, चाहे लोहा तांबा चाहे तेल या पेट्रोल, जो भी चाहे उपकरण लकड़ियां हो, वो सब पे हमारा हक है और कोई सरकार फ्री में नहीं देता हमें। इसी उत्पादक जितने भी उत्पादन निकलते हैं यहाँ इस जमीन से, साधन संसाधन से, उसी पैसे से हमें देते हैं, कहते कि मैं फ्री में देता हूँ। फ्री में कोई नहीं देता है, कोयला बेच के देते हैं, तेल बेच के देते हैं, लकड़ी बेच के देते हैं, लोहा तांबा बेच के देते हैं। जो पैसा आता है, निर्यात आयात होता है, उस पैसे से हमको देता हूँ, हमारा हक है। क्योंकि जो हम अपना वोट देते हैं, उस वोट का वो अधिकार बनता है कि वो हमारी रक्षा करेंगे, हमारी सुरक्षा करेंगे, हमारी देखभाल करेंगे। और कहते हैं आपने निकाला, आज कहां से कहां तक आपने? हमारा कैंडल मार्च तिकोनिया पार्क से इकाबगंज चौराहे पर गया था, जहाँ पे हम लोगों ने भाई छोटे भाई इंद्र मेघवाल की फोटो रख के वहाँ माल्यार्पण करके मोमबत्ती द्वारा उसको श्रद्धांजलि दिया गया।